हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल। अच्छा, ब्लॉगिंग कर रहे हम लोग स्टार्ट। से हटना है मेरे भाई को मिले किसी इवेंट कॉन्सर्ट, मुझे पता नहीं क्या। उसने बोला जल्दी दूसरे दो टिकट मिले, वो भी फ्री में। फ्री का माल आपको छोड़ते नहीं, तो जल्द से जल्द जाने के। बहुत लेट हो चुका है, कितना 6 बज गए, अभी वो आएगा चिल्लाते। Few inches later. अभी मैं बाहर जाने का था, रुको भाई, बाहर निकलते कुछ देर चलते बारिश। सीरियसली क्या करने का अभी? चलो मैं आता हूँ, एंजॉय, हैव फन। चलो गाइस, नहीं बने, मैं नहीं जा रहा कॉन्सर्ट, बारिश में जाने के नहीं। अरे तू जा रही? अभी जस्ट पहुंचे, बाप क्राउड तो है गाइस। चलो पहुंच गए। कोई अच्छा नहीं आया रहेगा ना, बॉयकॉट ने इसको। ठीक है, जो मुंबई की गलियों में खोज रहा था अपनी लेकर आशीर्वाद अपनी माँ का, चल पड़े थे उसके कदम। उस माँ को दिया था वचन, मिलकर करेंगे अपने दोस्त का सपना साकार। बजा दिया हिंदुस्तान का डंका, सात समुंदर पार। आपने देखा ना कितना बहुत बहुत। एक सेकेंड, इवेंट पूरा 2 दिन का है, मुझे मेरे भाई ने बताया नहीं, आज एक है और कल है, शायद परसों भी हो, कंफर्म नहीं है, कल बताऊंगा। अभी बहुत थक गया हूँ, बहुत नाचा यार मैडॉक ने, मतलब क्या गाना बजाया, बहुत मजा आया, बहुत इतना नाचे
नए फ्रेंड्स भी बनाए। बॉय मैं वीडियो एडिट करूंगा, टाइम देखूंगा कितना लंबा वीडियो बन रहा है। अगर समझो बहुत छोटा वीडियो हो रहा है तो मैं 2 दिन का कंबाइन एक इवेंट डालूंगा, और अगर बड़ा बन रहा है मतलब ओके लगा मेरे को, डे 1 का एक इवेंट का एक पूरा बना दूंगा अलग एक ब्लॉग, डे 2 का अलग एक ब्लॉग आ जाएगा। बहुत इन्जॉय किया, मैं अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। कल सुबह बात करेंगे। डे 2 What's up? आज हमारा है डे 2 इवेंट का। अभी डे 2 के लिए निकल रहे हैं और वो ही सीन जो कल था, आज भी बारिश हो रही है। Again? Seriously? So guys, अभी है डे 2, वही सेम इवेंट, सेम जगह, सेम प्लेस, पर अभी हम लोग निकल रहे हैं। बहुत लेट हो चुका है, कल जैसा ही लेट हुआ है, लेकिन पहुंच जाएंगे। 1 घंटा है इवेंट चालू होने में, तो उतने में हम लोग तो पहुंच जाएंगे। अभी आगे का अपडेट आगे उधर पहुँच के बता। घर पे आ गए अभी, रुको जरा 2 मिनट रुको। डे 1 इतना अच्छा गया और डे 2 उसके एकदम उल्टा, मतलब डे 2 में कुछ भी नहीं, हम लोग बाहर हम लोग खड़े थे, क्लिप्स दिखेगी आपको, हम लोग बाहर खड़े थे हम लोग को हकल दिया उधर। सबसे पहले बता दूं कि हम लोग को आज के टिकट्स कैसे मिले। हम लोग को ये इवेंट पूरा 2 दिन चलने वाला था ये इवेंट। कल का मेरे भाई ने ऑलरेडी कुछ तो पता नहीं कैसे उसने मैनेज कर लिया, उसने 2 टिकट्स निकाले कल के। आज के टिकट के हम लोग ने 2 टिकट्स वॉलेंटियर से मतलब थोड़ा इधर उधर करके 2 टिकट्स का और अरेंज किया। आज के इवेंट एक्चुअली मेन था क्योंकि आज ऑरेंज जूस आने वाले थे। आपको पता रहेगा ऑरेंज जूस कौन है, सौरभ गार्ग के, जस्ट नील सिंह, पूरा उनको क्रू जितना भी है, ये तीनों मेन थे, ऑरेंज जूस, न्यूक्लिया और गली गैंग। डिवाइन नहीं आने वाला था लेकिन गली गैंग के कुछ मेंबर्स आने वाले थे, इतना कंफर्म हुआ था। और आज हम लोग पूरा नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट के साथ थे क्योंकि डे 1 गाइस पूछो मत कितना तगड़ा गया। मतलब मैडॉक ने आके जो डीजे मतलब उसने कंट्रोल किया क्राउड को, नेक्स्ट लेवल, इतना मजा आया। मैं सोच रहा हूँ अगर मैडॉक ने इतना नेक्स्ट लेवल किया तो न्यूक्लिया तो उसके डबल जाएगा, इसलिए हम लोग इतना एक्साइटेड। न्यूक्लिया लिजिट आपको मैं बताता हूँ, न्यूक्लिया आया था, उसने पूरा उसका टेस्टिंग किया, पूरा माइक सेट किया, उसने माइक चेक किया, फिर भी पता नहीं क्यों इवेंट हुआ नहीं। 10 बजे तक बाहर ही खड़े ऐसे कि अभी अंदर ले गए, अभी अंदर, मतलब 10 बजे भी अगर उन्होंने अंदर ले लेते हो तो क्या बजाता था वो, 11 बजे तक तो बंद करने बोल देती थी पुलिस। उधर ऑलरेडी पुलिस आ गई थी, बस स्टैम्पेड हो गया, लोग गिर गए, वो सेल फोन चोरी हो गए, गिर गए सेल फोन चोरी हो गए। सेम मेन चीज हम लोग को बाहर एकदम, एक तो हम लोग पैनिक फ्रस्ट्रेटेड, मतलब इतना कि यार इवेंट होगा कि नहीं, कम से कम बाहर आके कोई तो बता दो कि इवेंट कैंसिल हो चुका है। हम लोग पूछ रहे एक दूसरे को, कुछ तो अंदर जाके ऐसा कुछ तो आवाज़ दे रहे थोड़े गैप में से कि आवाज़ दे रहे कि यार बता दो क्या होने वाला है, कोई कुछ बताने के लिए रेडी नहीं। तो मैंने क्या किया, आज के 2 पास मैनेज किए थे, तेजस उसका भी, उसके अभी बहुत बड़ा सीन हुआ है। तेजस लव यू तेजस, तेजस अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो थैंक्स, सबसे पहले थैंक्स, तूने वो भले इवेंट फ्लॉप हो लेकिन तूने पास कैसे भी करके निकाल के दिया हमें। मैं उसे कॉल लगा कि क्या हो रहा है अंदर, क्यों नहीं ले रहे हम लोग को, तुझे बताया कि अंदर मतलब ईट तोड़े, मुझे ये नहीं समझ उधर अंदर ईट कैसे आए, मेरे को ये नहीं समझ उधर ईट कैसे आए, मतलब ब्रिक्स फेंके एक दूसरे को लगा। उसने ब्लीडिंग का मुझे एक वीडियो भेजा है, उसको ब्लीड हो रहा है, वो मैं बता नहीं सकता, वो क्लिप शेयर नहीं कर सकता, अलाउ नहीं करता यूट्यूब, लेकिन उसका खून आ रहा है लिजिट। उसके साथ एक और एक उसकी कोवर्कर थी साक्षी, उसका भी उसके ऊपर भी पैर को लगा है, मतलब अंदर इतना ये सब हुआ, बाहर तो उसके मुकाबले कुछ नहीं हुआ, बाहर भी थोड़ा सीन हुआ, पुलिस आई थी लाठी चार्ज की, टीयर गैस डाला पब्लिक पे, पूरा क्राउड पे टीयर गैस फैला दिया, मतलब फेंक दिया, उसका भी क्लिप है। पुलिस सीरियस था ये सब, लेकिन लोग इसको सीरियस वे में ले नहीं रहे थे, पूरा ऐसा फन वे में ले रहे थे, तो ये सब सीरियस नहीं है। ऐसे ही उधर हम लोग खड़े थे लाइन में कि अभी ले गए अभी ले गए, पुलिस लाठी चार्ज करने लग गई क्योंकि लोग दरवाजा तोड़ रहे थे, पूरा उनका जो डोर था ना मेन डोर वो तोड़ रहे थे, उसका भी क्लिप है। कीज, 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 कीज।
पूरा डोर नीचे आ गया था और वो सब छोड़ो, वो इतना सीरियस नहीं है, होगा वैसा के साथ, मतलब हम लोग बैरिकेड पे खड़े थे, जैसे बताया हम लोग मेन जो कोलाइड जो इवेंट था उसके हम जस्ट मेन गेट पे खड़े थे। मेन गेट पे पुलिस आएगी, दो जन आए, लाठी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, तो लोग सब पीछे बैक ऑफ करने लग गए, बैक ऑफ करने लग गए, तो आगे दो लड़कियां थी, मतलब उनका पूरा एक ग्रुप था। मैं सोच रहा हूँ लड़की है ये, लड़के किधर गए, लड़के उनके जो फ्रेंड्स थे बॉय वाले फ्रेंड्स थे वो छोड़ के भाग गए लड़कियों को, और लड़कियां गिर रही है, तीन तो नीचे गिरे भी, जो बैरिकेड्स होते ना बैरिकेड्स वो भी नीचे गिर गए थे, मतलब इतना बड़ा सीन हुआ। तो डर वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब वो आगे दो लड़कियां थी वो मेरे ऊपर गिर, मतलब गिरे नहीं, मेरे ऊपर गिरने वाले थे, इसलिए मैं पीछे पीछे हो रहा था, मेरा भाई भी था मेरे बाजू में, वो साइड में हो गया, मैं गिरने वाला था, इसलिए मैं खुद को बैलेंस कर रहा था, और मेरा शूज निकल गया, मतलब यार वो शूज को ढूंढने के लिए मेरा 5-10 मिनट बर्बाद हो गया, मतलब मेरा शूज गया किधर, ऐसा कैसे छोड़ दूं, शूज ही गया, मैं 10 मिनट शूज ढूंढ रहा, अरे मेरा शूज भाई, यार ऐसा कैसे। उधर से पूरा पैकअप किया क्योंकि कुछ मतलब नहीं था, मुझे तेजस ने बोल दिया कि इवेंट, अगर कोई भी बोल रहा है कि इवेंट होने के चांसेस है तो उसने मुझे सीधा क्लियर कर दिया कि इवेंट नहीं होगा, पर हम लोग को इतना मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था क्योंकि फ्री टिकट्स थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्यों थे क्योंकि न्यूक्लिया आ रहा था और स्पेशली ऑरेंज जूस आ रहा था, उनका मतलब कितना क्रेज है आपको भी पता है, मेरे को एक्चुअली सौरभ गार्ड के लोग को मिलने का था लेकिन वो हो नहीं पाएगा। तेजस उसने बताया कि इवेंट नहीं होगा, कोई बता रहे तो उसका सुना हुआ कैंसिल हो गया इवेंट, तो हम लोग उधर से निकल गए, पूरा पैकअप किया उधर से निकले, फिर सोचा कि अभी क्या करें, भूख लगी थी तो हम लोग इन्फिनिटी मॉल गए, हुआ नहीं अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इन्फिनिटी मॉल गए, उन्होंने उधर से भी हकल दिया, फिर टाइम अप हो गया, अभी नहीं कर सकते, 10 बजे कौन सा मॉल बंद होता है, तो पता नहीं, बस एस्केलेटर तक बंद कर दिया, चल के नीचे उतर के आ रहे, मतलब आज का दिन टोटल ख़राब, कुछ खा भी नहीं पाया उधर। बर्गर किंग में गए तो उन्होंने बोला हम लोगों ने शटडाउन कर दिया, मैकडोनल्ड्स में गए, मैकडोनल्ड्स भी हम लोगों ने ठीक से मंगाया कि कुछ पी लेंगे कुछ, तो वो भी नहीं, उन्होंने बोला नहीं बंद हो गया नहीं दे सकते, मतलब ठीक से आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगा बनाने में, नहीं वो भी नहीं दे सकते, मतलब पूरा दिन, आज का पूरा दिन ही खराब गया। डे वन एक्चुअली अच्छा गया इसलिए, नहीं तो अगर समझो एक दिन का इवेंट रहता आज तो सबसे बेकार इवेंट रहता मेरा अभी तक का। मैं ऑनेस्टली बताऊँ मेरे को मैडॉक पता नहीं था कौन है, मेरे को नहीं पता था, मैं जो बजाया नेक्स्ट लेवल, इतना एंजॉय किया, नए फ्रेंड्स बनाए, वो बंदी का नंबर ही नहीं मिला मेरे को, लेकिन कौन है ये लोग, दूसरी वाली बंदी का सुधर जा, कहाँ से आते हैं, एक बंदा जो आया था शायद उसका नाम रौनक, डॉक्टर था वो, रोहित, क्या बात करता है यार, रौनक था कुछ तो, रोहित नाम था उसका, वो कॉमिक स्टान में आया था सीजन 2, उसने बहुत अच्छा किया, उसका बहुत पसंद आया, एक नंबर कॉमेडी किया उसने क्राउड वर्क भी अच्छा किया, उसमें भी बहुत मजा आया, उतना मैं शूट कर नहीं पाया, उनका जो म्यूजिक सिस्टम नहीं, क्या बोला तूने, जो स्पीकर्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मतलब वो माइक पे कुछ बोल रहे उसका जरा भी क्लियर आवाज नहीं आया, मतलब पता नहीं कौन सा स्पीकर यूज कर रहे थे, एकदम बोगस, थोड़ा थोड़ा ही कुछ तो आवाज आ रहा था क्लियर, पर ठीक है जाने दो, मजा आया, मैड डॉग ने पूरा कवर कर लिया पूरा इवेंट, एक्चुअली मेरा फर्स्ट व्लॉग है, अगर पसंद नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि क्या नया कुछ कर अलग कर सकते हो, शेयर कर सकते हो कमेंट में बता सकते हो। तो ये वीडियो का भी यही एंड करते, पता नहीं व्लॉग कैसा है, मैं अपलोड कर दूंगा फिर भी क्योंकि मुझे चालू करने का यूट्यूब, अच्छा ठीक है, इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, फिर भी पसंद आने तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर कर देना अगर करना है तो शेयर कर सकते हो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, मैं मिलूंगा आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, दैट इज सपोज्ड टू बी डन, गेस इज व्हाई आई एम नंबर 1, दे डोंट नो, मोमेंट्स इज ओनली बिगन, रियली वी जस्ट हैविंग फन प्लेइंग नाउ, भले ये शूज इतना महंगा है लेकिन पूमा है भाई, पूमा एक्सर, सॉरी आईफोन XR है, सॉरी पूमा कौन सा तो पूमा है वो